और आप सबको क्या लगता है कि युवान किसी के बारे में इतना कैसे सोच सकता है कि अगस्त्य कपूर की मदद करने के लिए उसने अपना करियर सैक्रिफाइस कर दिया? क्यों रो, क्या कर रहे हैं यार? जज की सीट वापस मिल तो रही है, क्यों सब स्पॉइल कर रहा है? तुम्हें लगता है तुम्हारा नाम, तुम्हारा ब्रांड, तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारी पॉपुलैरिटी, सब ये सब कुछ मुझसे बहुत बड़ा हो गया ना, इसलिए मुझ पे एहसान करने के लिए तुमने ये सब किया? कैमरामैन zoom on Agastya and Yuan also. यहाँ सबके सामने मुझे जताने के लिए तुमने ये सब किया? ऐसा बिल्कुल नहीं अगस्त्य, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? Fine, एक पल के लिए मैंने मान भी लिया कि तुम्हारा ये इंटेंशन नहीं था, पर दुनिया वाले तो यही कहेंगे। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं टीवी स्क्रीन पे, जितने भी लोग हैं, सबको तो यही लगेगा ना कि युवान सिंह राठौर ने गोल्डन माइक छोड़ दिया, अपना फ्यूचर दांव पे लगा दिया, अपना करियर छोड़ दिया। किस लिए? जज की कुर्सी देने के लिए। यू नो, आज तक सबको ऐसा लगता था कि अगस्त्य कपूर जो कुछ भी अपने डैड की वजह से, किसी ने मुझे मेरे टैलेंट का क्रेडिट नहीं दिया। आज थैंक्स टू यू सबको ये लगेगा कि ये जज की कुर्सी मुझे तुम्हारे सैक्रिफाइस की वजह से मिल रही है, मैं इसके लायक नहीं हूं। I don't bloody deserve it. मारे को लागे है कि अगस्त्य सही कह रहे हैं। हाँ अगस्त्य, मारे को लागे है कि आपको फिर एक बार इस पूरी दुनिया के सामने दिखाना होगा कि अगस्त्य के है, कौन है अगस्त्य, और अगस्त्य कपूर उस जज की कुर्सी पर बैठने के पूरे हकदार है। ओ गॉड, ये बनी अब कोई पंगा ना कर दे। एक रॉकस्टार जज कौन हो गए? वही ना जो पूरी दुनिया के सामने ये साबित करके दिखा दे कि उससे बड़ा रॉकस्टार कोई है ही ना। क्यों ना अभी के अभी इम्तिहान हो जावे, जैसे अभी आपने युवान को पॉइंट देकर चुना उसके गाने के बाद, क्यों ना वैसे ही आप अगस्त्य को भी चुने रॉकिंग स्टार के जज के लिए। क्या बोलते हो जावे? और हाँ, स्टूडियो और पूरे देश की जनता अगस्त्य के लिए भी बिल्कुल वैसे लाइव वोटिंग करेगी जैसे युवान के लिए किया। अगस्त्य, आज तक लोगों ने आपको रेडियो पर सुना होगा, टीवी पर देखा होगा, और उन पे लोग सवाल उठा सकते हैं, पर नठे यहाँ आपको इस मंच पर उन सभी सवालों के जवाब देने का ये मौका मिला है। कुछ ऐसा सुनाइए कि वो जान जावे कि अगस्त्य कपूर किसी नाम के बलबूते या किसी सपोर्ट से ना, बल्कि अपने अंदर उस संगीत की वजह से अटे, वो संगीत जो उसका अपना है, उसका खुद का अगस्त्य का संगीत है। ये मंच आप रहा है। अगस्त्य प्लीज एक बार कहो ना। युवान फिर आज से नहीं भरा, ये कैसे हो सके? मारा छोरा युवान फिर आज से नहीं भरा। के लिए
स्टार्ट होती है। और 100% जनता ने अगस्त्या को यस में वोट दिया है। अब तो सिर्फ हम ना, पूरा देश कह रहा है, देखो अब तो मान जाइए ना, और द रॉकिंग स्टार की जज की कुर्सी लेने के लिए राजी हो जाइए। प्लीज मान जाओ ना, वरना हमें लगेगा कि तुमने हमारी माफी एक्सेप्ट नहीं की। ये कुर्सी आपको किसी के एहसान से नहीं, आपके टैलेंट से मिल रही है। हाँ बोल दो ना प्लीज, राजी हो जाइए। तो अगस्त्य कपूर फाइनली मान चुके हैं और द रॉकिंग स्टार के जज फिर से होंगे अगस्त्य कपूर। जबरदस्त परफॉर्मेंस ब्रो, लव्ड इट, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। थैंक गॉड तूने हाँ बोल दिया यार, मैं तो डर ही गया था तू कैसे रिएक्ट कर रहा है बीच में। बनी ने मना ही लिया है ना, एंड सबसे बड़ी बात, पहली बार तेरे डैड को हार मान के झुकना पड़ा। क्या हुआ, तू खुश नहीं लग रहा? कैसा लगा बताओ तेरे को? मैम क्या कभी आपको ये लगा कि युवान इस राउंड को जीत पाएंगे? मतलब क्या कभी आपको इतना विश्वास हुआ कि वो इतने लोगों के सामने परफॉर्म कर पाएंगे और सबका दिल जीत पाएंगे? उतना ही विश्वास था बन्नी को युवान पे जितना कि बन्नी को अपने हाथ के बने खाने पर है। बन्नी के ऊपर मां अन्नपूर्णा का हाथ है, तो युवान के ऊपर मां सरस्वती का। मारे को एक पल के लिए भी डर ना लगा कि मारा युवान ना कर सकेगा, पणा आपका ये पूछना समझ सकूं, मानसिक रूप से जो कमजोर हो गए हैं, दुनिया उसे सिर्फ मजाक की एक वजह बना देती है, पर आज मैं अपने युवान के जरिए पूरे दुनिया को ये दिखाना चाहूं कि इन लोगों को जरा ध्यान से देखो और समझो और आगे बढ़ने का एक मौका दो बस, फिर देखना उसके बाद ये साबित करके दिखावेंगे कि उनके अंदर भी एक बात है और ये सिर्फ इसकी जीत ना होगी, ये जीत उस हर इंसान की जीत होगी जिसे पूरी दुनिया मानसिक रूप से कमजोर समझती है। हमारा युवान जो करना है, हमारा युवान इस दुनिया में एक प्रेरणा बन के दिखावेगा। अगस्त्य क्या कर रहा है, क्या हो गया तुझे? हाँ क्या अगस्त्य, संभाल खुद को यार, क्या क्या हो रहा है? क्या स्टॉप इट यार, क्या पागल हो गया? हो गया पागल, हो गया पागल, I've gone mad रोहन, हालत देख मेरी, क्या क्या कर क्या रहा था रोहन, what the hell is wrong with me? तू युवान, युवान कितना अच्छा लड़का है, कितने साफ दिल का है, कितना टैलेंटेड है, और मैं उसके साथ इतनी घटिया हरकतें कर रहा था, इतनी घटिया हरकतें कैसे कर रहा था रोहन?
पन्नी, उसकी बीवी वो क्या कुछ नहीं कर रही उसको किसी मुकाम तक पहुंचाने के लिए, और मैं तो उसको नीचे लाने पे तुला। साला इतना मीन हो गया कि अपनी इंसानियत ही भूल गया। अपने महान डैड को गलत प्रूव करने के चक्कर में मैं तो उसकी मेडिसिन, ब्लडी मेसिंग अप विद दिस मेडिसिन रोड। भाई संभाल खुद को, बट यू डोंट हैव टू कैरी दिस गिल्ट यार, कुछ हुआ नहीं ना। युवान ने कितना अच्छा गाया, सब अच्छे से हो गया, तुझे तेरी जज की कुर्सी भी वापस मिल गई है। इट्स ऑल गुड यार, ऑल इज वेल। नो इट्स नॉट युवान, तुझे हो क्या क्या है? दोस्त है ना तू, मेरा देख रहा है मुझे। कांग्रेचुलेशंस युवान, बहुत अच्छा गाया आपने, एक सेल्फी प्लीज। मुझे तो यह समझ में ना आ रहा कि यह चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे। मतलब वो बेटा, वो जो जब आग के वो फवारे उड़े, वो अरे मरे तो ऊपर की सांस ऊपर नीचे के नीचे रह गए। मैंने कहा गए कब काम हो गया। पर कमाल की बात तो ये है कि युवान इतनी बड़ी आग से भी ना डरा। ये बताऊं दादा साहब, मारे खुद के समझ ना आ रहा कि आज हुआ के। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई और युवान हमारे सामने खड़ा है। वो जो गाना गाया उसने, जो इतने कॉन्फिडेंस से हुनर दिखाया, और वो जो आग से बिल्कुल डरा ही ना, और वो जो बातें कही इसने, हमारे को तो ऐसा लग रहा था कि आज जो हुआ है ना वो बिल्कुल भी सच हो ही ना, जैसे कोई सपना हो, एक मीठा सा सपना जो मैं चाहूं कि उम्र भर चले। सच कहूं तो बनी दुल्हन, शिवान को भी कुछ समझ नहीं आया, पता नहीं सब कुछ कैसे हो रहा था। कोई परेशानी नहीं युवान को, किसी बात से कोई डर ही नहीं लगा, वो आग से, वो किसी चीज से। तुझे तुझे जो दिख रहा है ना, सब इतना सिंपल नहीं है कि सब बेचारे अच्छे लोग हैं, जेन्युइन लोग हैं, कितना अच्छे से बात करते हैं मुझसे। मैं कर क्या रहा था? तो ब्लडी कॉन्स्पिरेसीज, गेम्स, दवाइयां बदलना, ये वो। तो युवान आज इतना बड़ा इंसान हो गया ना रोहन, मैं बहुत छोटा। दिल देखा तूने उसका, जो वो बेचारा चाहता था आज उसको मिल सकता था, उसको मिल सकता था, पर उसने इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मना कर दिया था कि मुझे जैसे पागल को वो जज की कुर्सी वापस मिल जाए। दिस इज नॉट मी, ये मैं नहीं हूं, और तू मुझे जानता है। मुझे अब सब सही करना होगा रोहन, मुझे जाके बन्नी को बताना होगा कि वो दवाइयां मैंने बदली है, और सब नहीं 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 अगस्त, यू कांट डू दिस, प्लीज बात समझ। ये तेरे करियर के अगेंस्ट जा सकता है भाई, तू जानता है ना उस बन्नी को, वो अपने युवान से कितना अटैच्ड है, कितना प्यार करती है उससे। एडिसन की बात सुन के वो भड़क जाएगी और कुछ भी कर सकती है यार। प्लीज भाई, प्लीज तेरी जज की कुर्सी वापस। आई डोंट केयर अबाउट द जज की कुर्सी रोहन, तू दोस्त है मेरा, तुझे हो क्या गया है? तुझे मुझे समझाना चाहिए। जब तक मैं सब कुछ सही ना कर दूं ना, मैं उस कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं हूं रोहन। मुझे सब ठीक करना होगा रोहन। अगस्त यार रुक जा यार, समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ी खुशी क्या है, युवान की परफॉर्मेंस या उसके दिल से आग का डर दूर हो जाने के। दादू, युवान की मम्मा नहीं आई? आया था, फोन आया था दादा तेरी मम्मा का, वो एक बहुत ही जरूरी काम में बिजी होगी, इस करके आके नहीं आ पाई बेटा। तू तो जाने बेटा तेरी मम्मा कितनी बिजी रहे हैं। युवान, मुंह मीठा करो और खुशी मनाओ अपने पहले जीत की, युवान मीठी खीर के साथ। आओ वो मीठा। शाबाश। अच्छा
क्या हुआ? सब ठीक है? नहीं वो मैं तुम्हारे और युवान की तरह अच्छा इंसान नहीं हूँ। इसे तुम्हें मुझे जो सजा देनी है ना दे दो, I'm okay with it, मैं कुछ नहीं कहूँगा। वो स्टूपिड जज की चेयर जाना, लोगों के सामने तमाशा बनना, मजाक बनना, इतना एम्बैरेस होना, मैं पता नहीं मुझे हो क्या गया था। मैं खुद नहीं जानता कि मैं कैसे इंसान बन गया था। अपने ईगो और गुस्से में मैं पागल हो गया था। पर मैं वैसा नहीं हूँ। मैं बस दुनिया को और स्पेशली अपने फादर को ये प्रूव करवाना चाहता था कि युवान एक रक्षा बनने के लायक नहीं है, इसलिए मैंने अपने दोस्त मैनेजर रोहन को, इसलिए रोहन ने युवान की मेडिकल हिस्ट्री का पता लगाया और उसे पता चला कि वो एक मेडिकेशन पे है जिस दवाई की वजह से वो नॉर्मल रहता है, वो कंट्रोल में रहता है। हमने वो दवाई चेंज कर दी। पिछले 24 घंटे से युवान जो दवाई ले रहा है वो उसकी दवाई नहीं है बल्कि विटामिन पिल से। मैंने डॉक्टर से बात की थी और डॉक्टर ने मुझे कहा कि अगर 24 घंटे युवान ने ये पिल्स नहीं लेना तो उसको पैनिक अटैक आ सकता है। पर डॉक्टर ने मुझे ये भी कहा कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। ही अश्योर्ड मी दैट। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे लगा कि पहले राउंड के बाद अगर युवान को पैनिक अटैक आ जाएगा तो वो गाना नहीं गा पाएगा और फिर मैं सबके सामने सही साबित हो जाऊंगा और इसके लिए मैं ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।